Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. अच्छा जी, कल हम देख रहे थे अपनी चेंज इन इक्विलिब्रियम और उसके अंदर जो हमारा इंपैक्ट आता है, इनकम कंजम्पशन कर्व को हमने देख लिया था, प्राइस कंजम्पशन कर्व को देख लिया था। आज एक चीज हम डिस्कस करना चाह रहे थे कल जहां पे हमने छोड़ा था कि जनाब जब भी प्राइस के अंदर चेंज आती है, कोई प्राइस के अंदर आप चेंज करते हैं प्राइस इफेक्ट, तो उसके नतीजे में दो डिफरेंट वजूहात की बिना पर आपकी कंजम्पशन के अंदर फर्क आता है। एक हमने चीज पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि वो जो प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस के अंदर चेंज आई है, वो कंपैरिजन में जब भी आप दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी निस्बतन अगर वो प्राइस कम हुई है तो वो निस्बतन ज्यादा चीपर लगनी शुरू हो जाएगी, दूसरी प्रोडक्ट निस्बतन महंगी लगनी शुरू हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा, लोग कंजम्पशन जिस जो प्रोडक्ट महंगी लगनी शुरू हो जाएगी उसकी कंजम्पशन छोड़ के जिसकी प्राइस कम हुई है उसकी कंजम्पशन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर पढ़ा था, हमें आइडिया है, इसमें हमारा कोई कॉन्सेप्चुअली मसला नहीं होना चाहिए रखा है। और दूसरा इफेक्ट हमने कल देखा था इनकम इफेक्ट, कि जनाब आपने जब प्रोडक्ट को चेंज किया, प्रोडक्ट की कीमत में जब तब्दीली आई, तो प्रोडक्ट की कीमत में जो तब्दीली आई उससे जो कंज्यूमर है, जिस कंज्यूमर ने वो चीज कंज्यूम करनी है उसकी परचेजिंग पावर में इजाफा हो गया, उसकी इनकम में इजाफा हो गया, हालांकि उसकी रियल इनकम में इजाफा हुआ है। उसकी जो आप वैसे कहेंगे नहीं कि 100 रुपया अगर कमाता था तो 100 रुपया ही कमा रहा है, इनकम उसकी वो 100 रुपया ही है, लेकिन वो 100 रुपए से अगर पहले वो 10 केजी खरीद पाता था तो अब उसी 100 रुपए से वो 20 केजी खरीद पा सकता है क्योंकि कीमत आधी हो गई है। क्लियर है, ये चीजें हमने कल देख ली थी, इनको मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, आज मैं वो फ्लैश बैश में चल रहा है और कुछ नहीं। कल जहां पे आके हम रुके थे और जो इनकम स्नैचिंग लाइन और उसकी डिस्कशन हम चाह रहे थे, थोड़ी सी हो जाए टाइम की कमी की वजह से, तो हमने उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख ली है। अब का जनाब आपके पास दो बजट लाइन्स थी, वन बजट लाइन इज हियर एंड आप प्राइस कम हुई, आपकी प्राइस कम हुई और आपका चेंज आ गया और उसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में दिस इज आवर इक्विलिब्रियम वन इन डिफरेंस कर्व वन एंड दिस इज आवर डिफरेंस कर्व टू, ये दो मसाइल हमारे चल रहे थे कि जनाब ये आपका इक्विलिब्रियम था, हम पहले इस इक्विलिब्रियम पे मौजूद थे, वी वर ऑन दिस इक्विलिब्रियम, हमारी प्राइस चेंज हुई है, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई है, प्रोडक्ट एक्स की प्राइस डिक्रीज होने से हमारी बजट लाइन शिफ्ट की, जो बजट लाइन शिफ्ट की है तो उसकी वजह से हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है दैट हैज शिफ्टेड टू दिस। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जनाब ये जो बात आपने कही सर बिल्कुल ठीक हो गई, हमें समझ आ गई इसकी, इतनी हद तक बात तो हमने आपकी पहले भी जो बात आपने कही थी उतनी तो हमें समझ आ जाती थी, लेकिन ये जो हमारा प्राइस इफेक्ट में आपने कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आपने कहा इनकम इफेक्ट, तो सर क्या ग्राफिकली हम इसको देख भी सकते हैं, क्या तस्वीरी तौर पे इस पिक्चर के अंदर जो भी तो हमने सिर्फ शिफ्ट किया था, इक्विलिब्रियम के शिफ्ट के हवाले से जो डिस्कशन की थी वो तो हमें समझ आ गई इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, लेकिन इसमें से कितना हिस्सा जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर चेंज आई है, फॉर एग्जांपल हमारा दिस इज आवर एक्स वन एंड दिस इज आवर एक्स टू, ये इक्विलिब्रियम में चेंज आई है,
हमारी प्रोडक्ट एक्स की जिसकी प्राइस डिक्रीज हुई थी उसकी जो डिमांड है या उसकी कंजम्पशन है उसमें इतना इजाफा हुआ। इस प्राइस डिक्रीज की वजह से हमारी प्रोडक्ट एक्स की डिमांड में कंजम्पशन में इतना इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें से कितना हिस्सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से है, कितना हिस्सा इनकम इफेक्ट की वजह से है, वो कैसे आप पता चल सकते हैं? ये तो हमें पता चल गया, यहां ये तो हमें पता चल गया कि ये प्राइस इफेक्ट था, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की तब्दीली की बिना पे हमारा एक्स वन से एक्स टू पे हम गए। क्यों मैं कह रहा हूं प्राइस की तब्दीली, क्योंकि ये बजट लाइन तब्दीली तब हुई है जब प्राइस में तब्दीली आई है, उसकी वजह से हम एक्स वन से एक्स टू पे गए। अब हम सिर्फ ट्रेस आउट करना चाह रहे हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं कि जनाब इसमें से कितना हिस्सा इनकम इफेक्ट की वजह से था और कितना हिस्सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से था। इनकम इफेक्ट हमने कहा था कि जो कंज्यूमर पहले से कंज्यूम कर रहे थे उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो अपनी परचेज ज्यादा कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन के वाई से लोग शिफ्ट हो जाएंगे एक्स की तरफ, वो सब्स्टिट्यूशन उसको ढूंढने का तरीका क्या है। उसके लिए हमें इकोनॉमिस्ट भाइयों ने कहा कि जनाब इसका तरीका वारदात हम आपको बता देते हैं। पहला काम तो तरीका वारदात का ये होगा कि आपको ये देखना होगा कि जो उनकी परचेजिंग पावर में इजाफा हुआ है अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर तुम ना होते तो क्या होता, हम ना होते तो क्या होता, अगर ये इनकम में इजाफा भी ना होता तो फिर क्या होता, क्या ख्याल है? तो पहला हमने कहा कि इस चीज को आप नलीफाई करें, इस इनकम में इजाफे को नलीफाई करते हैं, इसको इकोनॉमिस्ट भाई कहते हैं इनकम स्नैचिंग लाइन। कहते हैं जी कि आप एक इनकम स्नैचिंग लाइन क्रिएट करें, इनकम स्नैचिंग, इनकम उससे छीन ली जाए, स्नैचिंग लाइन, इनकम स्नैचिंग लाइन क्रिएट करें, इनकम स्नैच कर ली जाए, छीन ली जाए, वो उसको क्रिएट करें। अच्छा जी, अब वो इनकम स्नैचिंग लाइन क्रिएट करने का क्या तरीका है, वारदात है। अब हम चाह कह रहे हैं कि हम प्राइस इफेक्ट तो हमारे सामने क्लियर है, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्राइस इफेक्ट में इनकम का इफेक्ट कितना है और सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट कितना है, उस चीज को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि आप इनकम स्नैचिंग लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करें। अब इनकम स्नैचिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम स्नैचिंग लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि जनाबे आली आप ऐसा कीजिए, ये जो आपकी इंक्रीज इनकम थी, यहां पर जो इनकम आई हुई थी, जिसकी वजह से इस इंक्रीज इनकम की वजह से आप एक दूसरे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट हो गए थे, आप इस इनकम को खत्म कर दें, इस इनकम को स्नैच कर दें और वापस आप पुराने इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ जाए, आई समझ, इस इनकम को रिड्यूस कर दें, स्नैच कर लें, रिड्यूस कर दें। जब इनकम रिड्यूस होती है तो बजट लाइन में क्या इंपैक्ट आता है, पैरेलल शिफ्ट होनी है लेफ्ट साइड के ऊपर, पैरेलल शिफ्ट होनी है, इनकम रिड्यूस होनी है तो बजट लाइन में क्या होना है, पैरेलल शिफ्ट होना है लेफ्ट साइड के ऊपर, क्लियर है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। इनकम की रिडक्शन में बजट लाइन में क्या इंपैक्ट आता है, अगर 200 रुपया इनकम था, 200 रुपया इनकम थी तो आपकी 100 रुपए इनकम होगी तो आपकी पैरेलल शिफ्ट आएगी, रिड्यूस हो गई है तो पैरेलल शिफ्ट आती है बजट लाइन पहले बजट लाइन पे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि अपनी इनकम जो बजट लाइन हमारी इंक्रीज हो गई है उस बजट लाइन को रिड्यूस कर लें और रिड्यूस करके ऐसी बजट लाइन के ऊपर आ जाए जो कि इस इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो, जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो। एक बजट लाइन तो ये भी है जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है लेकिन ये पैरेलल नहीं है इसके,
इसलिए ये स्नैच नहीं कर रही, ये इनकम में तब्दीली को जाहिर नहीं कर रही। हम चाह रहे हैं कि जो अब बजट लाइन बन रही है इनकम में प्राइस में तब्दीली के बाद जो बजट लाइन बनी है उसको स्नैच करें, उसके अंदर से हम वापस लेकर आए। तो उसको जब हम स्नैच करते हैं, उसको हम जब कमी करते हैं, उसको अंदर से हम इनकम इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, पैरेलल लाते हैं, तो दैट आई बिलीव हियर वी विल बी लिविंग। ये उस बजट लाइन का, बजट लाइन के हम पैरेलल शिफ्ट किया, स्नैच किया, और जो कि ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है। क्लियर? मकसद क्या था कि हम अपनी जो इनकम इंक्रीज हुई है उस इनकम को हम डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग अलग देखना है। मुश्किल तो नहीं है? स्टूडेंट्स को यहाँ पे मुश्किल होती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है कि साहब ये थोड़ा सा हम बात जो कर रहे हैं इसकी क्या लॉजिकल रीजन क्या है। तो सर कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, सिर्फ हमें क्योंकि इकोनॉमिक्स भाइयों ने हमें समझाया, इकोनॉमिस्ट भाइयों ने हमें समझाया कि ना आपकी प्राइस इफेक्ट के अंदर दो चीजें होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। हम आप चाहते हैं कि हम ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को ग्राफिकली प्रेजेंट करें। तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर हमारी मदद के लिए उन्होंने इनकम स्नैचिंग लाइन का कॉन्सेप्ट दे दिया। आप इनकम स्नैचिंग लाइन के कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि जब हम इनकम स्नैचिंग लाइन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्या होगा, एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम कहते हैं X3, एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। अब इसको समझते हैं, हमारे इनकम इफेक्ट की वजह से पहले फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाएं, इस वाली लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सिर्फ X3 और X2 का आपस में मुकाबला करें। X3 और X2 का हमारी इनकम में जो इजाफा हुआ उससे हमारी जो कंजम्पशन में इजाफा हुआ वो X2 से X3 तक चली, X3 से X2 पर चली, X3 से X2 का जो गैप है ये हमारी इनकम में इजाफे की वजह से ऐसा ही है। आ रही समझ नहीं आ रही? अलीशा, फिजा, रमदान, शहरोज, नुमान, निमरा, शाहजेब, सुबान, हमने अभी थोड़ी देर के लिए इस लाइन को जो है छोड़ दिया, इस लाइन को हमने अपने दिमाग से निकाल दिया कि इस पिक्चर के अंदर, इस सीन के अंदर ये लाइन मौजूद नहीं है। तो फिर कि इनकम में इनकम लाइन दिस और इनकम लाइन दिस, इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, इस गैप इज ड्यू टू चेंज इन इनकम। यही पढ़ा था हमने बजट लाइन में, जब इनकम में तब्दीली आती थी हम क्या करते थे, इनकम में तब्दीली आती थी हम कहते थे दिस इज इनकम एंड दिस इज इनकम, पैरेलल शिफ्ट करते थे, पैरेलल शिफ्ट किया, पहले आईसी इधर था, अब आईसी इधर है, जहां पर भी अब आईसी इधर है। तो पहले अगर हम X3 पर थे और अब X2 पर आ गए तो ये चेंज किस वजह से है, क्योंकि इनकम में इजाफा हुआ, इनकम में इजाफा हुआ, इनकम लाइन शिफ्ट की है, नथिंग एल्स, इनकम लाइन में इजाफे की वजह से दिस इज द चेंज। ये जो कंजम्पशन के अंदर चेंज आई है ये इनकम में इजाफे की वजह से। क्लियर है? तो हमें ये बात तो समझ आ गई सर, आपकी इस बात को हम मान लेते हैं कि ये X3 से X2 जो है दिस इज आवर इनकम इफेक्ट। अब ये X1 से X3 क्या है, X1 से X3 क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, X1 से X3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता रहा है कि जनाब अब हुआ क्या कि आपकी पहले बजट लाइन यहां पे थी, अब बजट लाइन होगी यहां पे, अब बजट लाइन यहां पे क्यों हुई है, क्योंकि
प्राइस में चेंज आई है, उसकी वजह से हमने इनकम को स्नैच नहीं, इनकम को बढ़ने नहीं दिया, इनकम इफेक्ट खत्म कर दिया, बटरफ्लाई की जो स्लोप थी वो चेंज हो गई है। वो स्लोप क्यों चेंज हुई है? क्योंकि लोगों का रुझान आपकी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हुई है उस तरफ बढ़ गया। इस स्लोप के चेंज होने की रीजन क्या? रीजन है कि आपका जो लोगों का रुझान है, उन्होंने लोगों ने वाई से शिफ्ट करके एक्स की तरफ चले गए। ये देखें ना, यहां से वाई के अंदर से इतनी प्रोडक्ट रिड्यूस हो गई है और एक्स के अंदर इतनी प्रोडक्ट में इजाफा हो गया। यहां पे बजट लाइन के जो गैप आ रहा है, दिस कॉज्ड बाय दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लोगों ने प्राइस का कंपैरिजन किया और लोगों ने कहा कि हम अब अगर हमने बात करेंगे तो हम इसको जरूर यूज करेंगे। तो एक्स वन से एक्स थ्री के दरम्यान में जो गैप है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और एक्स थ्री से एक्स टू के दरम्यान में जो गैप है, दिस इज इनकम इफेक्ट, और एक्स वन से एक्स टू के दरम्यान में जो गैप है, दिस इज होल कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट कम्युलेटिव इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। जी अंडरस्टैंड अवर साइकिल स्टैंड। इस ग्राफ की समझ आई है? लॉजिक की समझ आई है? चले गुड। तो जहां तक तो बात थी, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। अब कहते हैं एक स्टेप और आगे चले जाए। यहां पर तो आपने कहा फॉर एग्जाम्पल प्राइस इफेक्ट की वजह से आपकी चेंज आई 7 यूनिट्स की, 4 यूनिट्स या 2 यूनिट्स आपकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से थे, और 5 यूनिट्स जो इजाफा हुआ वो आपका प्राइस इफेक्ट की वजह से, इनकम इफेक्ट की वजह से। बट सर, इनकम इफेक्ट आपने ये बात अलग कर दी, लेकिन आप ये जरा इंफीरियर गुड के हवाले से भी तो बताइए। ये जो बातें आपने की, ये तो नॉर्मल गुड्स के हवाले से है कि इनकम बढ़ेगी तो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट आएगा। नॉर्मल गुड के अंदर यही होता है, लेकिन इंफीरियर गुड के अंदर आपने क्या पढ़ा था? इनकम बढ़ती है तो लोग उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। इनकम बढ़ती है तो लोग उसकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। याद है इंफीरियर गुड? तो सर ये बात तो आपकी, हमारी इस ग्राफ की और ये बातें समझ आ गई, बट इंफीरियर गुड सर सारे सर को हमने, है ना, तो इंफीरियर गुड की भी तो बात समझा दें। तो अगर हम एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्स इज इंफीरियर, इंफीरियर है प्रोडक्ट एक्स, और प्रोडक्ट एक्स की प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हुई है, कम हुई है, तो उससे और उसमें प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट हम किस तरीके के साथ ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे या हमें किस तरीके के साथ हम नजर आएगा, उसका सूरत हाल क्या होगी, वही ग्राफ हमारा वही है जो हमने पहले देखा था। दिस इज आवर ग्राफ, दिस इज, ये हमारी बजट लाइन इनिशियल इंक्रीज होके ये बजट लाइन हमारी ऊपर है। ये बजट लाइन था। अब हमारे पास प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट एक्स जो कि इंफीरियर है, ये हमें याद है कि दिस प्रोडक्ट इज इंफीरियर प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ एक्स चेंज होने की वजह से हमारी बजट लाइन
एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करके राइट साइड के ऊपर इक्विलिब्रियम के ऊपर कैसा अंदाज होंगे। इक्विलिब्रियम के असर अंदाजी दिस इन डिफरेंस ऑफ वन एंड वी हैव इन डिफरेंस ऑफ टू। वही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। दिस इज आवर एक्स वन, दिस इज आवर एक्स टू। इनकम स्नैचिंग लाइन, इनकम हमने स्नैच की, उसके बाद आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे जो कि टेंजेंट होगी ओरिजिनल, ओरिजिनल आपकी उसकी टेंजेंट लाइन होगी, ओरिजिनल आपकी टेंजेंट लाइन आगी। देन अब आपको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वेयर इज इट, दिस इज एक्स थ्री, इनकम इफेक्ट कितना है, दो इनकम लाइंस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो इनकम इफेक्ट है। और इनकम इफेक्ट हमारा क्या था, एक्स थ्री से एक्स टू के दरमियान में जो गैप है, दिस इज आवर इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए था लेकिन हमारा इनकम इफेक्ट कम है। और एक्स वन से एक्स टू के दरमियान में जो गैप है ये क्या है, एक्स वन से एक्स टू, यहाँ पे देखिए एक्स वन से एक्स टू के दरमियान में गैप क्या था, एक्स वन से एक्स टू के दरमियान में ये प्राइस इफेक्ट था, तो प्राइस इफेक्ट है। एक्स वन से एक्स टू के दरमियान में जो गैप है दिस इज आवर प्राइस इफेक्ट। और एक्स थ्री से एक्स वन के दरमियान में गैप क्या है, एक्स थ्री से एक्स वन के दरमियान में गैप क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक्स थ्री से एक्स वन के दरमियान में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हरी समझ के अगली भी गई, एक्स टू से एक्स थ्री के दरमियान में इनकम इफेक्ट और एक्स टू से एक्स वन के दरमियान में प्राइस इफेक्ट, एक्स वन से एक्स थ्री के दरमियान में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब यहां पे बात क्या कर रहे हैं कि ना आपका प्राइस इफेक्ट इज ओनली फाइव, प्राइस इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल फाइव है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सेवन है और इनकम इफेक्ट आपका माइनस टू है। एक्स थ्री एक्स टू से आगे बढ़ा है, एक्स थ्री एक्स टू से आगे बढ़ा है, एक्स थ्री एक्स टू से आगे क्यों क्यों बढ़ा है, जहां पे ये टेंजेंट है लाइन, ये टेंजेंट है हमारे ओरिजिनल डिफरेंस कर्व के साथ में टेंजेंट है। क्लियर है जी, कोई मुश्किल कोई परेशानी तो इसमें, ये वही ग्राफ, ये वही ग्राफ जो भी हमने यहां पे लिखा, इसी के किताब के अंदर शक्ल आपके सामने मौजूद है। ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन, ये आपकी चेंज होने के बाद बजट लाइन, इंफीरियर रूट है, ये इंफीरियर रूट की बात कर रहे हैं, इंफीरियर रूट की बात कर रहे हैं। आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ए के ऊपर, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बी के ऊपर, यानी कि ए एक्स वन B, X2, ये X3 जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था अभी हमने इसको पढ़ा, इसको हमने कहा A को हमने कहा X1, B को हमने कहा है X2 और A डैश को हमने कहा था X3, ये बात हमने यहां पे कही X1, X2 इन X3। ठीक है जी, एक्स वन से एक्स टू के दरमियान में जो गैप है दिस गैप प्राइस इफेक्ट, बी और ए डैश के दरमियान में जो गैप है इनकम इफेक्ट, ए और ए डैश के दरमियान में जो गैप है दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
और बी के दरमियान में जो गैप है ये प्राइस इफेक्ट है, ए और बी के दरमियान में प्राइस इफेक्ट है, ये प्राइस की चेंज की वजह से आ रहा है ए और बी के दरमियान। जी मुश्किल स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट ये आपने जो बातें कही ये तो मसाइल ही क्रिएट करती है आपके, प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ये जो आपने बातें कही हैं ये तो आपने मसाइल क्रिएट करती है। तो उसका एक टेबल ना बना लेते हैं, हमारी बजट लाइन उसकी और हमारे इक्विलिब्रियम के दरमियान में गैप्स हैं, ये दोनों ये तीनों जो होते हैं हम इक्विलिब्रियम के दरमियान में गैप्स की बातें कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम से इस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम से। तो प्राइस इफेक्ट क्या है, बजट लाइन टू बजट लाइंस दैट आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल बजट लाइन उसके दरमियान में जो गैप है उसको हम प्राइस इफेक्ट करते हैं। यहां पे टू बजट लाइंस, दो बजट लाइंस ये पैरेलल नहीं है, इसके और इसके दरमियान में जो गैप है उसको हम प्राइस इफेक्ट करते हैं। क्लियर है, ये प्राइस इफेक्ट आ गया। फिर इनकम इफेक्ट आ गया, इनकम इफेक्ट टू बजट लाइन, इनकम इफेक्ट इज टू बजट लाइंस दैट आर पैरेलल, जो कि पैरेलल ये पैरेलल टू बजट लाइन दैट आर पैरेलल उनके दरमियान में जो गैप है उसको हम इनकम इफेक्ट करते हैं। ये तरह ये दो बजट लाइन है, एक बजट लाइन ये दो बजट लाइन दोनों जो पैरेलल है इनके दरमियान में जो गैप है इसको हम इनकम इफेक्ट करते हैं, इसको हम इनकम इफेक्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टू बजट लाइंस not parallel and same IC, not parallel different IC। price effect के लिए दो बजट लाइन not parallel but different IC, दो बजट लाइन नॉट पैरेलल सब्स्टिट्यूशन करके बट सेम आईसी सेम डिफरेंस कर उसकी बात कर रहे हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। यहां पे देखिए दो बजट लाइन है जो कि पैरेलल नहीं है लेकिन वो सेम आईसी के ऊपर है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन दो इक्विलिब्रियम पॉइंट के दरमियान में जो गैप है इस गैप और इस गैप को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे। यहां पर किताब भी लिखे दो बजट लाइंस नॉट पैरेलल बट ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व, ए और ए डैश के दरमियान में जो गैप है इस कॉम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किया है। क्या आपको समझ पा रहा क्लियर है, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट रिलेटेड टू टू फोर पैरेलल नॉट पैरेलल बजट लाइंस डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व, इनकम इफेक्ट टू बजट लाइन पैरेलल and different in difference curve, different in difference curve, substitution effect two budget lines not parallel same in difference curve। ये छोटा सा क्या कहते हैं याद दिलाने के लिए अगर हम ये टेबल बना लें तो हमें थोड़ा सा आसानी के साथ आइडिया लगे इन डिफरेंस कर्व की बातें क्या कर रहे हैं। इसमें भी डिफरेंट इन डिफरेंस जी आसान हो गया कुछ कुछ याद में याद आने में याद में आसानी हो जाएगी।
चले लेट्स कंसोलिडेट फ्रॉम द बुक यहां पे देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व के अगले मामला देखते हैं बजट लाइन जो भी है बजट लाइन चेंज होगी प्राइस चेंज होगी आपका एग्रीमेंट फर्क हो जाएगा किताब से पढ़ा करें जरा किताब के ऊपर देखें उससे ज्यादा बेहतर काम होगा ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसने वही बातें जो हमने कही है यहाँ पे उसने थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कर दिया कि आपके सामने उसमें एक इनकम स्नैचिंग लाइन लगाई लेकिन इसको यहाँ पे समझना मुश्किल हो जाता है लेकिन जब आप इसके साथ कंपेरिजन में समझते हैं फिर आपके लिए आसान रहती है इनकम स्नैचिंग लाइन को आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो यहाँ पे उसने सिंपल एक डाल के एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बिटवीन टू अनपैरेलल बजट लाइंस ऑन सेम डिफरेंस कर उसकी बात कर रहा हूँ उनके दौरान में जो गैप होगा उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से और ये इनकम इफेक्ट भी फिर वही यहाँ पर उसने पूरी गैप हमारा पिक्चर जो हमने दिखाई थी सैलरी की सैलरी उसने इनकम इफेक्ट के अंदर उसने इनकम स्नैचिंग लाइन को पूरा गाया यहाँ पे थोड़ा सा जब आप वर्डिंग के अंदर जाएंगे जो वो लिखता है उसकी वर्डिंग के अंदर वो ये कहती है इनकम एक्सपेंड हो गई इनकम बढ़ गई और उसको कंपेयर करता है तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना आसान है कि बजट लाइन प्राइस चेंज की वजह से बढ़ गई और उस बजट लाइन को अगर हम पुरानी सिचुएशन के अंदर लेकर आना चाहें तो आप स्नैच कर सकते हैं इनकम स्नैचिंग लाइन को तो आइसोलेटेड टेक दी बंडल ऑफ गुड ए दैट वुड हैव बीन बजट तो रिलेटिव प्राइसेस की वजह से तो उसने वही बातें कही हैं ग्रेवी पढ़ेंगे ग्रेवी के अंदर कोई मुश्किल आती है तो फिर हम दोबारा से पढ़ लेंगे ठीक है जी कॉन्सेप्ट इज वेरी डिटेल विद द हेल्प ऑफ फार्मिंग केसेस नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट का नॉर्मल गुड की बातें हमने देखी थी ये 45 डिग्री के एंगल पे ये इसने यहाँ पे क्या कर्व बिकम 45 डिग्री एंगल पे चलता रहता है क्यों क्योंकि नॉर्मल गुड है दोनों ये रेलिवेंट है दोनों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी लोग कंजम्पशन दोनों की बढ़ाते जाएंगे ये रेलिवेंट सी एम सुंदर रेलिवेंसी और फिर वायर इंफीरियर हो तो हमने कहा था जो सुपीरियर होगा उसकी तरफ इंडिफरेंस कर इनकम कंजम्पशन कर्व मूव करेगा और अगर एक्स इंफीरियर होगा तो इसी तरीके के साथ वायर की तरफ मूव करेगा हम पहले पढ़ चुके हैं प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एग्रीगेट ऑफ दिस इज एग्रीगेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट यही बातें हमने यहाँ पर पढ़ी एग्रीगेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट प्राइस इफेक्ट का सब्स्टिट्यूट रूल प्राइस इफेक्ट का इंडिपेंडेंट रूल फॉर अनदर सप्लीमेंट रूल वो हमने पढ़ चुके हैं पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए क्या होगा आपकी पीसीसी विल मूव लाइक दिस ये ऊपर की तरफ जाना गलत है नीचे की तरफ जाती है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट गुड्स हैं तो वो बिल्कुल पैरेलल जिसका एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी और उसमें कोई दिल नहीं आएगी प्राइस के मेंशन कर के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी यहाँ पे भी वो 45 डिग्री एंगल की बात करता है ये 45 डिग्री एंगल एज फ्रॉम द फिगर बिलो वो उसी तरीके के साथ जिसमें से इनकम कंजम्पशन कर्व के अंदर इररिलेवेंट गुड्स की इनकम बढ़ती जाती है नॉर्मल गुड्स की किसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इनकम भी फिर जो कंजम्पशन है प्राइस इफेक्ट की वजह से बढ़ती जाएगी और ये उसने एक इंफीरियर गुड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब इंफीरियर गुड हो उसके अंदर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है ये इस वजह से इंफीरियर इंफीरियर गुड होने की वजह से इनकम इफेक्ट नेगेटिव था आपने देखा ए डैश और बी के दरमियान में नेगेटिव इफेक्ट क्लियर है ना अब इस टॉपिक में इस चैप्टर में हमारा कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसको भी हमने ना पढ़ा हुआ Let's conclude for today and let's meet tomorrow, inshallah.